नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व, आपत धर्म पर्व, उसके अंतर्गत राजा के ऊपर विपत्ति आए तो किस प्रकार से उसको सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उसको मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं को नए सिरे से बनाना चाहिए, ये सब बातें हमने देखी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसी समय के लिए ये सारे नियम निर्धारित किए गए हैं या मार्गदर्शन दिए गए हैं जो समय चल रहा है। चलिए आज एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ऐसा मुझे अनुमान है। यहां पितामह भीष्म ये कहते हैं कि राजा को चाहिए कि विपत्ति के समय के लिए कोष अधिक से अधिक एकत्रित करें। अब कोष अधिक से अधिक एकत्रित करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? ना धन यज्ञशीलानाम हार्यम देवस्य मिलते। देव मंदिर का, यज्ञ यागादि करने वाले का, ऐसे लोगों के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाने चाहिए। देखिए, धन लेने का मतलब यह है। अब देखिए, आप इस आपत्ति के काल में जितने मंदिर, जितने उत्तम स्थान थे, जितने ऐसे सेवा धर्म वाले ट्रस्ट थे, उन सभी ने लोगों की मन खोल के, दिल खोल के, हृदय खोल के मदद की है। कई जगह तो इस प्रकार के सदावृत चले हैं कि महीनों तक, या ये कही के छह छह महीने लोगों को बिना कुछ पूछे, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, बस उनको भोजन करवाया गया। ये कब संभव बना? अगर उनके पास ये धन नहीं होता तो ये ऐसे लोगों का धन जो होता है ना, यज्ञशीला नाम परोपकारी लोग जो होते हैं, देवस्य मेवचा, और जो मंदिर वगैरह होते हैं, इनके पास का जो धन है वो हमेशा विपत्ति के समय लोगों के कार्य में लगा करता है। और आप उन्हीं को धर्मस्थान मानिएगा। जो अपनी दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं वो धर्मस्थान नहीं है, इतना याद रखिएगा। अगर किसी धर्मस्थान ने ऐसे में इस विपत्ति के काल में भी लोगों के लिए अपने दरवाजे ना खोले हों, तो जीवन में इतना याद रखिएगा कि ऐसे किसी भी धर्मस्थान को कभी भी हमें अपने दान करने की लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। तो भैया, राजा को भी धन की तो जरूरत होती है, और जब जिनके पास है उनके पास से नहीं लेंगे तो किसके पास से लेंगे? तो बोले, लो दस्युनाम निष्क्रियाणाम चा क्षत्रियो हर्तुमर्हति। जो लोगों को लूटते हैं, डालो भैया, जितने लोगों के पास तुम इनकम टैक्स की रेडिट डाल पाओ डालो, और उनके पास से लो। जिन्होंने बैंकों को लूटा है, लूटने का मतलब यही जरूरी थोड़े है कि तुम बंदूक लेके जाओ लूट के लाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं लुटेरे जिन्होंने लिया तो है ब्याज के नाम पे पैसा, और बैंकों को चूना गया, चूने का पूरा डब्बा है, पूरी बोरी बैंकों के ऊपर डाल दी। ऐसे लोगों को लूटना चाहिए, ऐसे लोगों के पास से लेना चाहिए। धन किसके पास से लेना चाहिए, इसकी चर्चा की। वैसे ये कहा है कि इमा प्रजा क्षत्रियाणाम राज भोग्याश्च भारत। इस संपूर्ण पृथ्वी पे जितनी भी प्रजा है उस सब की संपत्ति पे राजा का एकमात्र अधिकार होता है। यानी चाहे मेरी संपत्ति हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, राजा का सबकी संपत्ति पे अधिकार है। अगर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए ना, तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने एक झोली फैलाई थी, प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया था, और कितना पैसा उसके अंदर आया, लोगों ने दिल खोल के उसके अंदर दान दिया। अब ये तो उन्होंने एक दान के रूप में स्वीकार किया। अगर वो चाहें और आवश्यकता हो तो आपत्ति के समय पर ये कहते हैं कि जिसका भी जो भी धन है उस पूरी संपत्ति के ऊपर राजा का एकमात्र अधिकार होता है। यानी जिसको एक तानाशाही पद्धति आप कहने लग जाएं, उसका भी उल्लेख किया है कि अगर आपत्ति का समय आए तो ऐसा किया जा सकता है। खैर, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। भारत बहुत ही हमेशा से संभ्रांत देश है यहां तो, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो हमें पेट्रोल और डीजल ये सब जो रुलाता है ना, लोग रोते हैं जो इसके लिए,
वो करणीय है, इस समय आप उसके लिए रोएं। अभी कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ा कि 75 लाख करोड़ रुपया, 75 लाख करोड़ रुपया जो डीए डिफरेंस सबसे सरकारी कर्मचारियों को देना था, 19 से ही उसको बंद कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट के पास इतनी संपत्ति पहुंची ना, तो भैया सरकारी कर्मचारियों का इतना योगदान तो है ही है, जो उनको नहीं दिया गया वो सरकार के पास पहुंचा, लेकिन उस योगदान को कोई गिनता नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन राजा का ये अधिकार है कि वो उसको ले सकता है, और उसने इसको लिया, क्योंकि जो है वो राजा का है। इस बात को यहां पे इसी संदर्भ में कहा गया है, असाधुभ्यो अर्थमादाय साधुभ्यो यह प्रयच्छति। जो असाधु के पास से धन लेकर के और साधु को देता है, असज्जन के पास से लेकर के सज्जनों के लिए जब वो धन देता है, आत्मानं संक्रमं कृत्वा कृष्ण धर्म विदेवसः, वो इन दोनों के मध्य का एक पुल बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है। भाई जिसके पास पैसा है, उसके पास से कोई गरीब चाहे कि उसको पैसा मिल जाए तो ये बड़ा कठिन कार्य है। वो गरीब है लेकिन अपने अंदर उसकी एक निष्ठा है, अपने अंदर उसका एक जो स्वाभिमान है, उसको मांगने तो नहीं जाने देता है। और जिसके पास पैसा है वो एक एक गरीब तक पहुंच के उसको धन दे नहीं सकता है। यहां राजा का ये कर्तव्य बताया गया है कि वो ऐसे लोगों के पास से धन लेकर के और ऐसे गरीब लोगों तक पहुंचाए, उसके बीच में जो ब्रिज है, एक पुल बनने का काम करे, एक माध्यम बने उन दोनों के, एक के पास संपत्ति है और एक को उसकी आवश्यकता है, इन दोनों के बीच। तो भैया लोगों के पास से कभी डीए नहीं दिया गया तो कभी ज्यादा टैक्स लगाए गए, कभी पेट्रोल डीजल पे ज्यादा पैसा लिया गया, इस सब तरीके से सरकार जो पैसा एकत्रित करती है वो अगर किसी श्रेष्ठ कार्य में उपयोग नहीं कर रही है तब तो वो गलत है। लेकिन उसने वैक्सीन सबके लिए फ्री कर दी, अगर वो और भी इस तरीके की योजनाएं चलाती है कि भाई लोगों को खाने के लिए अनाज मुफ्त मिलना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, तो आप ये मान लीजिए कि हमारा राजा महाभारत में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हीं क्रियाओं का पालन कर रहा है या उन्हीं धर्म का पालन कर रहा है। तो ऐसे में हमें अपने उस प्रधानमंत्री के ऊपर एक विश्वास करके और उसकी और अधिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। भवीत धर्मा सूक्ष्मा सूक्ष्म तरस्त था। भाई धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि जहां हमें अधर्म प्रतीत होता वहां धर्म निकल आता है और जिसको हम धर्म समझते वो अधर्म बन जाया करता है। इसलिए आपत्ति के समय धर्म अधर्म की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए, आपत्ति के समय क्या करणीय है इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इस संदर्भ में तीन मत्स्यों की कथा सुनते हैं। आने वाले संकट से सावधान रहने के लिए तीन मत्स्य की कथा आती है। एक दूरदर्शी था, एक तत्कालज्ञ था, एक दूरभिसूत्री था। अब इस कथा को आपने कई बार कई स्वरूप में सुना होगा, लेकिन ये महाभारत से ही आई है। पितामह भीष्म कहते हैं, अनागत विधाता चा प्रत्युत्पन्न मतिश्चय द्वावीव सुखमेधे ते दीर्घ सूत्री विनश्यति। इस संसार में तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं। यहां तीन मत्स्य जो हैं इस प्रकार के तीन प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ऐसा होता है जो अनागत विधाता होता है, जो पहले से ही आने वाले किसी दुख, किसी परेशानी, किसी आपत्ति, किसी समस्या का अनुमान कर लेता है और पहले से ही उसमें से बच जाता है। जो पहली लहर से पहले भारतवर्ष में हुआ ये वही चीज थी कि हमारे सरकार ने योग्य समय पे लॉकडाउन वगैरह करके इस प्रकार के निर्णय लिए कि 1 अरब और 32-33 करोड़ जो आबादी है उसमें से कहीं करोड़ों की आबादी कम ना हो जाए, इसका उन्होंने निर्णय। ये था अनागत विधाता, जो पहले से इस चीज का अनुमान कर ले कि हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली है
और उसका पहले से ही निराकरण कर दे, इसको कहते हैं अनागत विधाता। दूसरा होता है प्रत्युत्पन्न मति, जो जब परिस्थिति जैसी आकर के खड़ी हो जाए उस समय योग्य रूप से काम करे, उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। यहां एक कहानी जो है पहले उसको सुन लेते हैं, विश्लेषण तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, मेरे विश्लेषण की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सारी मछलियां थी, उसमें तीन मित्र थे, ये मत्स्य थे, उसी सरोवर में रहते थे, लेकिन तीनों के स्वभाव अलग अलग। एक था कि जिसको पहले से अंदाज मिल जाए कि विपत्ति आने वाली है, और इसकी वजह से वो क्या करता था कि आने वाली विपत्ति के लिए पहले से ही सावधान, भैया मुझे विपत्ति में नहीं पड़ना है, तो पहले से ही उससे बचने का तरीका ढूंढ लेना। दूसरा था वो पहले से कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको ये विश्वास है कि जब मुश्किल आएगी ना तो उसका सामना मैं चुटकियों में कर सकता हूं। तीसरा दीर्घसूत्री था, जो कहता है अरे यार काहे की विपत्ति, सबके साथ जो होगा वो अपने साथ होगा, काहे के लिए दुखी होना, काहे के लिए परेशान होना। अब तीनों एक ही सरोवर में रहते थे, बड़ा पानी था उस सरोवर में, बड़े सुख से बड़े चैन से उनकी जिंदगियां कट रही थी। एक दिन कुछ मछुआरों ने यह सोचा कि यार इसमें बड़ी मछली है, इनको पकड़ना चाहिए। बोले इतना अधिक पानी अगर रहेगा तो हम इनके ऊपर काबू नहीं कर पाएंगे, हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो यहां से वहां निकल जाएंगे। ऐसे में उन मछुआरों ने एक निर्णय किया कि चलो भैया इस सरोवर के पानी को हम इधर उधर निकाल देते हैं। हर सरोवर ओवरफ्लो हो तो उसके पानी के निकलने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, तो बोले इसके पानी को इधर उधर निकाल देते हैं। जैसे उसका पानी निकलना शुरू हुआ, वैसे ही वो जो अनागत विधाता था मत्स्य, उसने कहा कि भैया यहां विपत्ति आने वाली है, मुझे लगता है कि इस सरोवर पे बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसका पानी निकाला जा रहा है, हमें इस विपत्ति से बचने के लिए इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब प्रत्युत्पन्न मति वाले ने यह कहा कि भैया मुझे तो विश्वास है कि जब विपत्ति आएगी तब हम उसका सामना करते हैं, और हमारी बुद्धि कभी साथ ना दे ऐसा बना नहीं है, तो हम तो उसी समय ये निर्णय लेंगे। दीर्घसूत्री का कहेगा यार तुम तो बस हमेशा पहले से चिल्लाते ही रहते हो, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है, इतने सारी मछलियां हैं, इतने सारे और मत्स्य हैं, अरे जो सबके साथ होगा अपने साथ होगा। अनागत विधाता ने कहा भैया आपकी मर्जी, आपको आगाह करना मेरी जवाबदारी थी, मैंने आपको आगाह किया है। और उसके बाद वो तो वहां से बहते पानी में, जो पानी निकाला जा रहा था उसी पानी के साथ में बह करके और दूसरे स्थान के लिए चला गया। जब सरोवर में पानी कम हुआ तब उन माछीमारों ने कहा कि भाई अब सबको पकड़ा जाए, तो उन्होंने जाल फेंका। जैसे ही जाल फेंका गया, वो जो प्रत्युत्पन्न मति है वो जलाशय के नीचे कीचड़ में इस प्रकार से जाकर के छुप गया कि वो जाल जो है उस तक ना पहुंची, और वो जाल में से फंसने से बच गया। जब जाल को समेटा जाने लग गया तो उसने ये सोचा कि अब तो इस सरोवर में पानी नहीं है, अगर मैं यहां रह भी जाऊंगा तो इस कीचड़ में मेरी जिंदगी कितने दिन की। तो उसी जाल को अपने मुंह से इस प्रकार से पकड़ लेता है कि जैसे वो भी उसी जाल में फंसा हुआ है। अब पूरे जाल को खींचा गया, सारी मछलियां आ गईं, लेकिन काफी कीचड़ था क्योंकि पानी कम कर दिया गया था। तो उन मछुआरों ने कहा कि भाई इस जाल को यहां से खींच के इस साइड जहां खूब पानी है वहां पे इन मछलियों को धोके, मतलब जाल को धो करके, अब जाल में मछलियां फंसी वो तो निकल तो सकती नहीं है, चाहे जितने पानी में उनको डाल दो, तो भैया उसमें धो करके और फिर इनको हम बाहर निकालेंगे। तो वहां से जाल को खींचा गया और जाल को खींच करके और जिधर बहुत पानी था उस साइड उस जाल को डाला गया। अब जैसे ही उस तरफ डाला गया, उसने अपने दांत से जाल को पकड़ के रखा था, तो प्रत्युत्पन्न मति जो था वो उस पानी में जाने के बाद उस जाल को छोड़ देता है और वहां उसके प्राण बच जाते हैं। तो प्रत्युत्पन्न अनागत विधाता तो पहले ही निकल गया, और प्रत्युत्पन्न मति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, पहले कीचड़ में गया और फिर उस जाल को पकड़ के बाहर आ गया, और फिर जब बहुत पानी में उसको धोने के लिए ले गए तो वहां देखिए, जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, जब व्यक्ति कर्मठ होता है, जब व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, तो
तो वो जो कुछ जैसे चाहता है, विपत्ति के समय भी बहुत सारी चीजें उसके अनुकूल चलती हैं, ये आप मान के चलिएगा। और जो नहीं करना चाहता है कुछ, उसकी स्थिति दीर्घसूत्री की तरह होती है। वो दीर्घसूत्री जहां था वहीं पड़ा रहा, जाल फेंका गया, जाल में फंस गया। अब वहां धुलने के लिए भी जब वो गया ना, तो अच्छे पानी में वो पहुंचा तो सही, लेकिन जाल के अंदर था, इसलिए जाल में से नहीं निकल पाया और उसका विनाश हो गया। तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिन्हें पहले से ही आने वाली मुश्किल, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति का एहसास हो जाता है और वो उससे बचने के लिए पहले से ही रास्ता बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन स्थिति का सामना करने में उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि वो किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं, और ऐसे लोगों का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जो दीर्घसूत्री होते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हुआ करती है। तो भैया, हमने इस आपत्ति के समय में ये अनागत विधाता वाली भी सरकार देखी है और प्रत्युत्पन्नमति वाली भी सरकार देखी है। आप देख लीजिए, ये दूसरी लहर जब आई तब भी भारतवर्ष में इतना बड़ा विनाश नहीं हुआ जिस प्रकार की स्थिति। अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य देशों की तुलना करें और वहां की जनसंख्या के साथ जब आप तुलना करें भारत की जनसंख्या की, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि वास्तव में आपकी सरकार आपको कितना सुरक्षित रख पाई है और अन्य जगह ऐसा क्यों नहीं हो पाया। अगर यहां पे कोई दीर्घसूत्री सरकार होती जो सालों से नहीं, दशकों से ये कहते आए हैं कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, पर गरीबी कभी मिटी ही नहीं। वैसे इसको मिटाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन अब ये भी तो एक बात है। तो जो लोग इस संसार में अनागत विधाता होते हैं, उनको कभी परेशानी नहीं होती है। जो प्रत्युत्पन्नमति होते हैं, वो परेशानी में से तुरंत बाहर आ जाया करते हैं, लेकिन जो दीर्घसूत्री होते हैं उनका नाश हो जाता है। तो भैया, हम अनागत विधाता रहें तो अच्छा है, और बहुत हो तो हम प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि अगर रखते हैं तो इस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। जीवन में याद रखिएगा, प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है, फिर तो खोदे हुए कुएं के पास जाकर के पानी निकाल के पी लेना चाहिए। उस समय ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये कुआं किसने खोदा था। मुश्किल आए तो उस समय मुश्किल से बचने का उपाय जो हो, जैसा हो, जैसे हो, उसका पालन करना चाहिए। चलिए, इसके आगे एक कथा आएगी और उस कथा में हम इन्हीं सारी चीजों को जानेंगे। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं समझता हूं कि ये कथाएं भी आपको अच्छी लग रही होंगी, और महाभारत में ये जो ज्ञान का उपदेश है, शांति पर्व का, उसका आप आनंद ले रहे हैं। लेते रहिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, यहां संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है, महाभारत प्रारंभ से सुनिए, जो आप महाभारत ये सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, यहाँ संस्कृत साहित्य और संस्कृति जो इस चैनल का नाम है ना, उसको सार्थक करने का मैंने काफी कुछ प्रयत्न किया है। 2500 जितने वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य उसको देखें और उसका आनंद लें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे ये चैनल और आगे बढ़ पाए, लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच पाए। धन्यवाद।